या मिस्टर प्रणीत जी, वेरी हेल्दी गुड इवनिंग सर। तुषार मैं बात कर रहा हूँ, एज कंसर्न ऑफिसर। कैसे सर आप? मैं बड़े, आप क्या बोले, क्या नाम आपका? तुषार शर्मा। तुषार शर्मा, हाँ जी बोलिए। यस सर, तो अभी आपकी बात हमारे कलेक्टर को गिफ्ट एंड बेनिफिट के रिगार्डिंग, तो आशा करूँगा चारों बेनिफिट आपको क्लियर होंगे सर। हाँ मेरे को सब क्लियर है। कोई डाउट, कोई क्वेरी आपको सर? नहीं मुझे कोई क्वेरी डाउट नहीं है। ओके सर, तो आपकी कंफर्ट के लिए मैं छोटा सा रिकैप आपको लूँगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, 2 से 3 मिनट का आपका समय लूँगा। पहले बेनिफिट में आपको सर 3 दिन दो रात और 3 दिन दो रात तो प्रीपेड हॉलीडे वाउचर आपको दिए गए। वो तो सेकंड बेनिफिट था। हाँ वो सर मैं जैसे ही बता सकता हूँ, बेनिफिट तो सर 5 ही बेनिफिट है ना आपकी सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। तो 3 दिन दो रात, 3 दिन 2 रात के तो ब्यूटीफुल हॉलीडे वैकेशन आपको दिया। पर वाउचर पर आपकी फैमिली के टोटल 4 मेंबर जाएंगे। जब भी आप बुकिंग कराएंगे तो 500 रुपीज़ का बुकिंग चार्ज पे करेंगे पर वाउचर। वाउचर तो आप क्लब भी कर सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। होटल का से एकोमोडेशन का खर्चा हमारी साइड से पेड होगा, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी होटल में जाकर किसी को अपने साइड से कोई भी सिंगल कॉइन आप पेमेंट कीजिएगा। सेकेंड बेनिफिट में आपको यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैनेटन की रिस्क वॉच कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिएगी। थर्ड बेनिफिट में आपको सर 6,000 रुपीज़ से शॉपिंग वाउचर मिलेंगे। 1,000 के 6 वाउचर होंगे। जब भी आपकी फैमिली खर्चा महीने का 1 या 10,000 या उससे ज़्यादा होगा उसी महीने क्या करना है, वाउचर को बिल के साथ सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, वाउचर को बिल के साथ हमें सेंड कर दीजिएगा। टोटल हम आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ आने वाले 1 साल के अंदर हम 6,000 रुपीज़ रिफंड करेंगे। ओके ठीक है। लास्ट में सर आपको डिस्काउंटेड कार्ड आपको दिया गया, जो आपको हर डेली रूटीन की शॉपिंग परचेजिंग टाइम यानी डिस्काउंट कार्ड दिलाएगा अप टू 30% तक का पूरे 1 साल तक। शॉपिंग आपकी कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तीनों पे आपका एप्लीकेबल रहेगा। पासवर्ड कार्ड के साथ ही मिलेगा, तो रिक्वेस्ट करूंगा पासवर्ड को आप शेयर मत कीजिएगा। जी, और ये फूड बिल का बता रहे थे, फूड बिल भी रिफंड होगा? हाँ 3,000 पर रिफंड होगा फूडिंग का सर आपको। वो कब होगा फूडिंग बिल पर? जब आप वैकेशन पर जाएंगे ना सर। हाँ। तो वहाँ पे कुछ भी फूडिंग करते हैं तो फूडिंग बिल्स फाड़ने नहीं है। मेल आईडी मिलेगी सर, स्कैन करके मेल कर दीजिएगा। 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में 3,000 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे। ओके ओके ओके। या तो जितने सर्विसेज मैंने बताए इनके रिगार्डिंग, बस आपको एक अमाउंट पे करना था जो मेरे कलीग ने आपको बताया होगा। कितना अमाउंट बताया आपको उन्होंने? 8,400 समथिंग। या बिल्कुल राइट सर, आपको अपनी साइड से एक अमाउंट पे करना केवल 8,450 रुपीज़ का सर। ये अमाउंट आपका वन टाइम का चार्ज होगा इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स सर। इसी अमाउंट में आपको टोटल 3,000 पर रिफंड होगा फूडिंग का। साथ ही में 8,450 का अमाउंट भी आपको आज या कल में किसी को बाइकेश या बाइचेक पे नहीं करना है, ना ही किसी होटल, ना ही किसी प्रॉपर्टी में जाकर देना है। 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको वेलकम किट रिसीव होगी, उसके बाद ही वैलिडिटी स्टार्ट होगी। अमाउंट आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सिंपली क्रेडिट कार्ड से आपके चार्ज होके आपके अगले महीने के बिल में लगकर आएगा। उसके बाद आप पे करेंगे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपनी रिस्पेक्टेड HDFC बैंक ब्रांच से सर। ओके ओके ओके। पे करने पे कोई हिडन कॉस्ट, कोई बाउंडेशन नहीं होगा। अमाउंट को वन टाइम आप चाहते हैं वन टाइम में पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे थोड़ा थोड़ा करके भी पे कर सकते हैं 1 साल तक सर। नहीं ठीक है, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बताइए। तो 3,000 पे हमारी साइड से रिटर्न होगा। और अभी मैं सीनियर के तो आपको हेल्पलाइन नंबर दूंगा सर, आइए तो आपको सारी जानकारी क्लियर होंगे सर। हाँ मुझे सब क्लियर हो गया। तो डिस्काउंट कार्ड हॉलीडे वाउचर पे इनाम प्रिंट का मिस्टर प्रणीत प्रवीण। हाँ जी आगे। तो मिस्टर प्रणीत जी राइट नाउ अभी आप कहाँ पर है? घर पर है सर, ऑफिस पर? राइट ऑफिस में ही बैठा हूँ मैं अभी। ऑफिस का मुझे कोई अपना डेस्क का लैंडलाइन नंबर बता दीजिए, आपके अवेलेबल राइट नाउ? नहीं मेरे पास अभी कोई यहाँ पे लैंडलाइन नंबर नहीं है। नॉट एन इशू, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं तो वो मुझे बता दीजिए 5 मिनट के लिए जस्ट। हाँ 1 2 6 1 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6। ओके जस्ट बी ऑन द लाइन सर, तो दोबारा रिपीट करो 888-689-126। यस हेलो। यस यस या तो डिस्काउंट कार्ड और तो अभी सर राइट तो फोर है जो आपको कौन सा एड्रेस पे आपको बिल करना है? आपके होम एड्रेस से बिल करना है, ऑफिस में एल एड्रेस पे आपको बिल करना है? नहीं नहीं मेरे ऑफिशियल एड्रेस पे, आप होम जो एड्रेस आपके पास है उसी एड्रेस पे मेल कर दीजिए। ओके ओके। नहीं सर ना आपको जब भी कोरियर पर तो होम एड्रेस ऑफिस वाला एड्रेस पे बिल करना राइट? हाँ जो एड्रेस आपके पास लिखा है ना उसी एड्रेस पे मेल कर दीजिए, वही मेरा डिफॉल्ट एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस है। बिलिंग एड्रेस है ना सर? ओके सर, तो सारा कोरियर जो फाइनल आपके बिलिंग एड्रेस पे आपको बिल करना है। तो मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी अब आपको क्लियर, तो आपकी परमिशन से सारे बेनिफिट के लिए आपको मैं बिल कर दूँ सर। बिल कैसे करोगे आप? 8,000 ऑनलाइन बिलिंग होगा, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं सर आप?
हाँ तो मेरे को आप कार्ड नंबर बताना पड़ेगा ना? बताना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन बिलिंग कैसे करते हैं, कार्ड नंबर बता के ऑनलाइन बिलिंग करते हैं सर आप? नहीं तो कार्ड नंबर तो बताना पड़ेगा ना मेरे को आपको। सर ऑनलाइन बिलिंग का कार्ड नंबर बताते हैं आप? सर पेमेंट गेटवे खुलता है, वहाँ पे कार्ड नंबर वेरीफाई करते हैं मोबाइल पे अपने। हाँ तो आप वो भेजोगे? हाँ 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 बराबर। तो लिंक आएगा सर, तो बताएंगे थोड़ी सर कार्ड तो आप लिंक लेना और देना। सर लिंक आप भेजने वाले मेरे को अभी? यस सर। हाँ ठीक है। हाँ अभी तो गूगल ओपन कीजिए। हाँ किया हूँ। हाँ गूगल में सर्च कीजिए इजी पे, EZYPAY, EZYPAY इजी पे। ओके। हाँ इजी पे सर्च कीजिए। हाँ अब पहला ऑप्शन आ रहा होगा इजी पे सर्च वी एंड पेयर पेयरबल साइट बैंक लिमिटेड। नहीं इजी हाइफन पे डॉट इन आ रहा है। इजी पे सर्च व्यू एंड पेयरबल साइट बैंक लिमिटेड इजी पे डॉट को आ रहा होगा। इजी पे सर्च व्यू एंड पेयरबल यस यस या डॉट को। वो पहला वाला पेज ओपन कीजिए आप। हाँ जी अभी अभी देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हुआ आपका। हाँ सर्च बाय इंस्टीट्यूशन नेम योर मोबाइल नंबर। तो हाँ इंस्टीट्यूशन नेम में अभी डालिए, वहाँ पे GENI लिखिए। क्या लिखना है? GENI, जी फॉर गोवा, ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नागालैंड, आई फॉर इंडिया। GENI। हाँ ये ओके जेनी। तो हाँ तो नीचे लिखा होगा प्रॉपर जेनेसिस प्रोग्राम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके एक मिनट ये लिखना का इंस्टीट्यूशन में लिखना है क्या? हाँ इंस्टीट्यूशन नेम में लिखना है, ब्रैकेट में बॉक्स में क्लिक करके लिखिए GENI जेनेसिस। क्या है? जेनेसिस प्रोग्राम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ पहला ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। हाँ जी आ रहा है। हाँ वाले तो उस पर क्लिक करके गो कीजिएगा। ओके किया। सॉरी हाँ अभी देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। हाँ जी हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्या शो कर रहा है अभी आपको? नेक्स्ट पेज में मुझे शो कर रहा है कि एक सेकेंड ना कस्टमर नेम मोबाइल नंबर कस्टमर सिटी कस्टमर अमाउंट प्रोडक्ट फिल कर दीजिए। कस्टमर नेम में जो आपका डिस्काउंट कार्ड होल्डर वाउचर पर नेम फिल होकर आएगा वो फिल कर दीजिए। ओके प्रॉपर सारा डिटेल वहाँ फिल कर दीजिए आप। ओके नेक्स्ट कस्टमर अमाउंट प्रोडक्ट नेम 8450 कस्ट प्रोडक्ट नेम कॉम्बो COMBO कॉम्बो। ओके अपने सिटी का पिन कोड डालिएगा आप। शो डिटेल कीजिए आप। एक सेकेंड पिन कोड भूल गया हूँ यार पता कर रहा हूँ। ठीक है डाल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ शो डिटेल कीजिए अभी आप। हाँ यही सही कि मैंने आपको 6 डिजिट का कोड भेजा है। हाँ वो OTP आएगा उस नंबर पे आपका रजिस्टर नंबर जो नंबर उसमें फिल किया था ना उस नंबर पे आपको ICICI बैंक से OTP आएगा। हाँ वो OTP डाल के सबमिट कीजिएगा वहाँ पे आप। ओके अभी तक तो नहीं आया। नंबर कौन सा फिल किया था उसमें आपने? यही वाला। यही वाला रनिंग कॉल में मैसेज आया था सर आपको? अभी तक तो नहीं आया, हो सकता है कि कॉल पे हूँ इसलिए नहीं आया हूँ। पूछ रहा हूँ रनिंग कॉल में मैसेज आया था सर आपको? क्या रनिंग कॉल पे मैसेज रिसीव हो जाता है प्रॉपर आपको? कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता। मैं लाइन स्टैंड कर रहा हूँ तो आपको OTP आएगा, वो OTP डाल के सबमिट कीजिएगा। आप मैं खुद 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो यस सर अभी आपको OTP आएगा सर आपको? नहीं अभी तक तो नहीं आया यार, मैं वही देख रहा हूँ वेट ही कर रहा हूँ। OTP नहीं आया सर आपको? नहीं। हेलो तो आप नंबर ना दूसरा फिल्ड करके देखिए, कोई दूसरा नंबर वहाँ पे डाल दीजिए ऊपर, कोई भी दूसरा नंबर डाल दूँ तो फिर उसको OTP कैसे आएगी? सर दूसरा नंबर वहाँ पे वो नंबर जैसे पेज को ओपन करने के लिए OTP आता है वहाँ दूसरा नंबर डाल दीजिए उस पर OTP आएगा वो डाल दीजिएगा। कौन सा नंबर डालूँ सर? जो आपका डुअल सिम फोन होगा ना आपका डुअल सिम नंबर होगा आपके पास। हाँ तो वो दूसरे नंबर पे तो कोई बैंक का है ही नहीं ना कुछ। सर ये जो रजिस्टर नंबर पे OTP सर आपका बैंक जो है HDFC बैंक है, वो HDFC बैंक OTP नहीं भेज रहा, वो पेज को ओपन करने के लिए ICICI बैंक OTP भेजता है सर आपको। तो अभी क्या करूँ? अभी वहाँ पे कोई और सा नंबर डाल दीजिए। ठीक है डाल देता हूँ। ये आप ही का नंबर डाल दूँ क्या?
सर ओटीपी सर इस पे आएगा तो इस नंबर पे क्यों डालेंगे बताइए। तो ओटीपी आया है ना अभी तक? साथ में कोई पर्सन हो उसका नंबर डाल दीजिए वहाँ पे। ठीक है मैं दूसरे का नंबर डाल दूंगा, तो उसके दूसरे के नंबर डालूंगा तो उसके बैंक से तो पैसे नहीं कट जाएंगे? नहीं नहीं उसको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट कीजिएगा फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा सर। फिर नेक्स्ट पेज पे क्या पेमेंट का होगा क्या फिर? हाँ पेमेंट का तो एंड में आएगा सर अभी पेज के बाद। अच्छा ठीक है ओके। हाँ तो डालिए आप सर नंबर वहाँ पे दूसरा। एक सेकंड दूसरा नंबर डाल दो। हाँ डाल दिया आया एक ओटीपी वो बोल। ठीक है वो अरे दो नंबर मैंने आगे पीछे कर दिए हो गया नेक्स्ट पेज खुल गया। अब अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या शो कर रहा है आपको, ये पे का बता रहा है कुछ। सॉरी पे का बता रहा है कुछ। हाँ जो डिटेल आपने फिल किया डिटेल आ रहा होगा नीचे लिखा होगा आई रीड एंड टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ उसको चेक करना है ना, उस पर क्लिक करके नीचे पे नाउ पे क्लिक कीजिए। जी कर दिया। अभी अगला पेज ओपन हो गया, हो रहा है लोडिंग हो रहा है। हाँ हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट पेज पे सबसे लास्ट में जाइए, लास्ट में लिखा होगा डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। हाँ डेबिट और क्रेडिट पूछ रहा है, इसी से भी कर दूं? क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके प्रोसीड नाउ पे क्लिक कीजिएगा। ओके अभी आपके पास क्या शो कर रहा है? अभी वो कार्ड नंबर वगैरह मांग रहा है, कार्ड नंबर का ऑप्शन आ रहा है। सर वहाँ पे कार्ड नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, जो आपने क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करके प्रोसीड नाउ पे क्लिक किया होगा तो वहाँ पे आपको आ रहा होगा क्या ऑप्शन आ रहा है फिर? ये इसी का कि फिल द डिटेल्स करके, जब जो नॉर्मली हम लोग सिक्योर पेमेंट पे पेमेंट करते हैं वही आ रहा है वहाँ पे। सर वहाँ पे आपने ऑल बैंक डेबिट कार्ड अदर बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किया था ना क्लिक अदर बैंक? मैंने ऑल बैंक किया था शायद ये इसलिए आ रहा है। अदर बैंक था ना आपका सर? हाँ किसी बैंक पे क्लिक नहीं किया था आपने? नहीं नहीं मेरा तो HDFC है। नहीं अदर बैंक पे तो क्लिक किया था ना, अदर बैंक प्रोसीड नाउ पे क्लिक किया था फिर आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके। यस यस हाँ अभी आ रहा है। क्या करूँ अभी आगे आप बता दो, मैं कर लेता हूँ फटाफट, आप बता दो। हाँ तो अभी क्या आ रहा है आपका पास? अभी वो पे वाले पे लोडिंग हो रहा है वही चीज, जब सिलेक्ट करने के बाद क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद पे नाउ पे सिलेक्ट किया है वो लोड हो रहा है। प्रोसीड नाउ पे हाँ प्रोसीड नाउ पे। हाँ अभी देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हुआ आपका, हो रहा है। अभी क्या करना पड़ेगा उस पेज पे? पेज को ओपन होगा तभी तो बता पाऊंगा ना सर आपको। वो तो स्लो एक्चुअली नेट स्लो है इसीलिए क्या करना पड़ेगा अभी? आपको कहाँ पर चल रहा था? हाँ अभी अटक रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कर दिया उस पे बता दो आप, मैं कर लेता फटाफट। सर वीजा मास्टर माइस्ट्रो सेलेक्ट करने के लिए आएगा, वीजा कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा अपना सर। वीजा कार्ड है? हाँ वीजा ही कार्ड तो सेलेक्ट कर लिया। हाँ आप देखिए कहाँ क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, कंटिन्यू कीजिए। ओके कर दिया। अब क्या शो कर रहा है आपके पास? अब बस पेमेंट बोल रहा है बस, मतलब पेमेंट बोल रहा है बस अब। हाँ वहाँ पे क्या क्या आ रहा है मतलब लिखा हुआ? वो मैं आपको कैसे बता दूँ? मतलब सर कैसे बता दूँ, मतलब सर एक ही बात है, पेज आ रहा होगा तो पेज पे कुछ शो तो कर रहा होगा ना आपको सर? हाँ शो कर रहा है बट अब उसमें क्या पेमेंट कर दूँ, वो सबमिट कर दूँ उसको जो भी है? मतलब क्या जो भी है सबमिट करेंगे सर एक ही बताइए सर। देखिए पहले आपके मन में कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो पहले पूछ लीजिए ना सर आप। नहीं मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, मैं तो 100% श्योर हूँ। नहीं 100% सर वाला पेज आ ही नहीं सकता, वहाँ पेमेंट आप कह रहे हो पेमेंट का आ रहा है वहाँ पे ऑप्शन, मैं पूछ रहा हूँ वहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है आपके। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपका ये सर्च किया था, वो जेनेसिस प्रोग्राम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, उस पर कस्टमर नंबर प्रोग्राम मोबाइल नंबर कस्टमर सिटी वगैरह सब डाल के सबमिट किया, ओटीपी आया, उसके बाद व्यू पे ये सब चीज़ों के बाद मैं पे पे गया, पे पे जाने के बाद क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया, क्रेडिट कार्ड पे अदर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके वीजा सेलेक्ट किया है बराबर। फिर अब हेलो हाँ बोलिए। हाँ जी ये हो गया अभी। अभी कौन से पेज पे आप? तुषार शर्मा ना? हाँ हाँ तो ये कर लिया मैंने। मतलब क्या कर लिया? तो पेमेंट हो गया है बोल रहा हूँ। पेमेंट सक्सेसफुली हो गया? हाँ। अच्छा ट्रांजेक्शन आईडी बताइए अपना। बता रहा हूँ एक सेकेंड, इट इज 845
जस्ट बी ऑनलाइन सर, एक मिनट बताइए मत, मैं चेक कर रहा हूँ, ये लाइन पर ही है। हाँ। जो आपने वहाँ पे नंबर फिल किया था पहले पेज पे, क्या नंबर फिल किया था उस पर? मैंने फिल किया था 9911307416। एक मिनट रुकिए, दोबारा से बताएगा, 9911। हाँ, 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1। हाँ, 4167 4167। अब हाँ। अभी ना चेक कीजिए उस नंबर पर ना आईसीआईसी बैंक से ओटीपी आएगा सर। ओके, चेक कीजिए, नया ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे बताइएगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक करने के लिए आएगा सर आप। अच्छा तुषार, हेलो। हाँ बताइए सर। हाँ अभी आ रहा है, अभी आया नहीं है, वेट कर रहा हूँ ओटीपी का, माने देते हैं जब तक। तो ये जो अपना कंपनी है, अपना जेनेसिस प्रोग्राम, ये सबके साथ ही काम करता है क्या, क्रेडिट कार्ड वगैरह के साथ? सर ये सर्विस प्रोवाइडर जो वीजा मास्टर कार्ड का सर्विस प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है ना सर, साथ में कंप्लीट वाउचर मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक दिया जाता है, ईएमआई के ऑफर आपके पास आते हैं सर। अच्छा, तो वो डायरेक्ट आपके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपको दिया जाता है। प्रॉपर जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, वीजा मास्टर प्रोवाइड करते हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एनसीसी एंड कोटक कार्ड के सर। अभी ठीक है, देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक करने के लिए ओटीपी आपके पास आया होगा। अभी तक नहीं आया, वेट ही कर रहा हूँ, फिर से शायद डालना पड़ेगा, वो कभी कभी रुक जाता है, नहीं आता। तो ये अपना, आपने जो मेरे को बताया है कि दो लोग के नंबर देंगे आप इसके लिए, होटल बुकिंग वगैरह के लिए, और ये जो है अपना, ये तो ऑफिस अपना कहाँ, गुड़गांव में है, दिल्ली में? सर दिल्ली में है। दिल्ली में है, प्रॉपर एड्रेस मिलेगा, सारी चीज मिलेंगी आपको, जो नंबर मुझे बताते हैं 9913। अच्छा सुनिए, तो 1 4 1 6 7। अभी आप सुनिए, फोन नहीं काटिए, ठीक है? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ अभी आप फोन नहीं काटेंगे, मैं मीडिया कंपनी से बोल रहा हूँ, मैंने आपका सब रिकॉर्ड कर लिया है, आप लोगों को फ्रॉड बना रहे हैं, अभी अगर फोन काटोगे तो मैं मीडिया में न्यूज फैला दूंगा, मेरा खुद का मीडिया कंपनी है, ठीक है, और जेनेसिस प्रोग्राम प्राइवेट कंसल्टेंसी जो लिमिटेड तुम्हारा कंपनी है, मैं उसको बंद करवा दूंगा, इसलिए बेटर है कि ये क्यों कर रहे हो बता दो, ठीक है? मतलब बताइए, ये फ्रॉड कर रहे हो तुम कोई कंपनी के बंदे नहीं हो, आईसीआईसीआई एचडीएफसी तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ठीक है? सच बोल दो खुद ही मुंह से, रिकॉर्डिंग लाइन पे तुम भी हो, रिकॉर्डिंग लाइन पे मैं भी हूँ। सुन तुषार शर्मा तू सुन, मैं पेमेंट पे गया ही नहीं। आई वॉज फूलिंग यू अराउंड सिंस लॉन्ग एंड आई वॉन्ट यू टू कन्फेस एवरीथिंग, इफ यू विल नॉट कन्फेस आई विल गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू पुट ऑल दीज आर्टिकल्स इन अ मीडिया, ठीक है? लिसन की बात मत कर, जेनेसिस प्रोग्राम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ना तुम्हारी, अब मैं उसको बंद करवा रहा हूँ, बोलो। हाँ बोलो, सुन लीजिए। हाँ बोल, सुन लीजिए पहले, बोल अब पहले। हाँ, वहाँ पे पेमेंट जो गेटवे है, कौन से बैंक का वो गेटवे है? वो किसी भी बैंक का गेटवे हो, गेटवे किसी भी बैंक का हो, तू 8,450 रुपया किस लिए चार्ज कर रहा है? बैंक के लिए चार्ज कर रहा है, एड ऑन कार्ड के लिए चार्ज कर रहा है, ऐसा कोई कार्ड नहीं होता। तेरा कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल, कंज्यूमर कंप्लेन में सबसे नंबर वन पे तेरी कंपनी है, ठीक है? अभी सुनिए, सुनिए मत कर, अब तू देख। हाँ बोल, क्या दिखाएंगे? हाँ क्या दिखाएंगे? ये जो तेरा बर्ताव है वो सब, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू स्पी इट आउट। तुषार शर्मा यू आर फायर्ड। हाँ अभी पता चलेगा तेरे को, अभी फोन रखेगा अभी ना, अमाउंट बताना फ्रॉड नहीं, अमाउंट किस बेसिस पे चार्ज कर रहा तू, बैंक का बोल के चूतिया बना रहा लोगों को? बेनिफिट किस चीज का बना रहा तू? बैंक का बंदा बोल के कॉल कर रहा तू, वीजा कार्ड बन के कॉल कर रहा है, ये नंबर पे कॉल कर रहा, वो नंबर डालो, ये नंबर डालो, बेवकूफ बना रहा तू लोगों को, लोग बेचारे तुम्हारे साले, तुम्हारे पास जितना तुम्हारा सैलरी होगा, तुम्हारे माँ बाप को लूट ले तो साले कैसा लगेगा भाई तुमको? अबे बात सुन के बात मत कर भोसड़ी के, बैंक का नहीं है तू आदमी, अगर बैंक का आदमी होता ना तू तो इस तरह से बात नहीं करता तू, समझा बे? अपनी औकात पे आ गया तू? अबे अपनी औकात पे आना ही पड़ेगा, तुम जैसे हरामियों को है ना औकात दिखाने के लिए अपनी औकात दिखानी पड़ती हमको। अब तू सुन, तेरी जेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक आर्टिकल जा रहा है, अब तू देख तेरे को कैसे बंद करा दूं, सील लगाऊंगा साले तेरे यहाँ पे, अभी रुक। अपने बाप को भी ऐसी बोलियो, अबे भोसड़ी के मेरे से अबे मुंहचोदी मत करो, समझे? वहीं आके मारेंगे साले तुमको ना, है तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा ना जब तुम ये कर रहे हो तो, क्या भेजेगी साले? अभी ये बातें कर रहा भोसड़ी के तू, बैंक वाले बोल के हाँ ये बातें कर रहा, ऐसे बात करेगा तू? जेनेसिस प्रोग्राम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉड, तू तो ये बोला बैंक से बात कर रहा, क्रेडिट कार्ड वाला बात कर रहा, तेरा जो कलीग का वो भी यही बोला है मेरे को, जो तेरा 15-20 मिनट वेस्ट हुआ ना वो मेरा इन्वेस्ट हुआ तेरे बारे में इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए।
समझा। अब ये नंबर भी गया तेरा, तुमको लगता है कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा क्योंकि तूने बहुत सारे मासूमों को ऐसा लूटा होगा, लेकिन आज तू गलत पंगा ले लिया बेटा। अबे बहरा है क्या तू? तू गलत पंगा हो गया। मैं बहरा नहीं, भोसड़ी के तेरी फटे में आ गई अभी, समझा? अभी तेरी फटे में आ गई है। मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग है, तू जो बोल रहा है बैंक से ये कार्ड वो कार्ड। अबे कौन सी कार्ड, कौन सी सर्विसेज बता रहा तू? कौन सा बैंक डिस्काउंट कार्ड दे रहा साले तेरे को 1000 रुपए में 300 ऑफ करने वाले हैं? बैंक किसने बोला तेरे को? बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ तो तू कैसे बात कर रहा, तू किससे बात कर रहा? तू कंपनी से बात कर रहा ना, तो अभी रिलीज हुआ। मैं बैंक वाला बोल रहा हूँ, आपका कंज्यूमर ये आईडी देखा, क्रेडिट कार्ड देखा, रिवील हुआ, ये किया वो किया, तेरे को कैसे पता चला? तेरे को नंबर कैसे मिला मेरा? अबे ओ पहले एक बात बात कर, तेरे को नंबर कैसे मिला मेरा? यहाँ से मिल गया तुझे क्या लेन-देन? नहीं बोल ना, भोसड़ी के मेरा नंबर कैसे मिला तेरे को? तेरा जो आइडिया का नंबर है ना पुष्पा के नाम से। अबे तू सुन, अभी तू गाली खाने के नाम किया है, अभी तू सुन, तुषार शर्मा यू विल बी एक्सपोज्ड। बोल तेरे को जुत्ता बोलना है तेरे पास आखिरी टाइम में बोलने के लिए, अभी तुझे फटे गई। बोल अब तू बोलना, बोल नहीं कहना तू बोल, तू बोल, मैं सुन रहा हूँ तेरे को। कह अब आप बड़े आप करके बात कर रहा, अभी तू मेरे से बड़ा बहरा बहरा करके बात कर रहा था तू, क्या हो गया? काम कर, सुनना बेटर है, काम कर, अपने कंपनी के मालिक को फोन दे दे, जेनेसिस प्रोग्राम वाले को, मैं उससे बात करता हूँ डायरेक्टली। बात सुन, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मेरे पास क्राइम ब्रांच वगैरह सबका इन्फॉर्मेशन है, साइबर कंपनी मेरे साथ वाले हैं, ठीक है? तू बोल, कभी खुद बोल रहे हो? नहीं खुद बोल, बोलो ना, बोल ना, तू बोल, बोल। पहले आप बोलिए। सुन ना, पहले आप क्यों कर रहा, लखनऊ से है क्या? बोल क्या कह रहे हो, पहले आप बोलिए। चलिए ठीक है, लेडीज फर्स्ट। बोल ना, बोल ना। अबे ये चूते ऐसी बातें मत करो, समझे? 22-23 साल के लौंडे हो, इतना जोर के थपड़ाएंगे ना साले की जिंदगी में कभी किसी को फ्रॉड नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है? क्या क्या, अच्छा तू क्या किया, किस बेसिस पे 8,500 रुपए मांग रहा तू? मेरे क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट कार्ड देगा तू? मेरा नंबर निकाल रहा, मेरा कार्ड नंबर निकाल रहा, मेरा नाम निकाल रहा, तेरे को नंबर कहाँ से मिला? और अभी ये जो तेरा नंबर है ना, मेरे को क्या लग रहा है अभी ये सारे तुम्हारे सारे नंबर में फ्रॉड करता हूँ। डिस्काउंट कार्ड तू सुन बे, तेरा डिस्काउंट कार्ड छोड़, नंबर वन पे देख, जेनेसिस प्रोग्राम कंसल्टेंसी का कंप्लेन है, ठीक है? तुम बेवकूफ बना रहे लोगों को। मेरे को क्या बता रहा तू कि मेरे अकाउंट से पैसा अभी ब्लॉक होगा, 15 दिन बाद 45 दिन बाद मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, मेरे को पेमेंट तो पहले करना पड़ेगा। अबे किसको बता रहा है तू ये सब काम, किसको बता रहा तू? क्या कह रहे सर, किसको बता रहा है ये सब काम? तू अभी पैसा पेमेंट ब्लॉक होगा, मैं कुछ भी यूज करूँ बे, तेरे को क्या करना है? तू डिस्काउंट कार्ड यूज करता है तो डिस्काउंट, अबे तू लगता है तू डिस्काउंट में ही पैदा हुआ है? आधा पैदा ही नहीं हुआ है, डिस्काउंट में ही आ गया क्या? डिस्काउंट में आ गया तू? मैं कैसे भी करूँ, मैं वही देख रहा था। डू यू थिंक यू आर फूलिंग मी? आई एम फूलिंग यू अराउंड सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉल, ओके?